एक प्रो और नॉर्मल यूजर काम तो इवेंचुअली सेम ही करते हैं, पर प्रो यूजर सेम गोल को कम समय में अचीव कर पाता है। एग्जांपल लीजिए कि आपको नोशन में एक चेकलिस्ट बनानी है। आप नई लाइन पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, टू डू वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फिर इवेंचुअली अपना टेक्स्ट लिखेंगे। पर एक प्रो यूजर सिर्फ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दबाएगा और टू डू बन जाएगा और वो सीधे अपना टेक्स्ट लिख देगा। ऐसे कई ऑपरेशंस हैं जो हम नोशन में हर रोज हजारों बार यूज करते हैं। अगर हम इन ऑपरेशंस को फास्ट वे में यूज करना सीख लेते हैं यूजिंग शॉर्टकट्स, तो हम अपने काम में ढेर सारा समय बचा सकते हैं और कहला सकते हैं नोशन प्रो। हेलो गाइज, मेरा नाम है स्पर्श पालीवाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर शॉर्टकट्स के साथ। एक चीज जो आप अक्सर करते हैं नोशन में वो है नए पेजेस क्रिएट करना। तो नॉर्मल प्रोसेस तो यही होता है कि आप यहाँ साइड में जाते हैं, प्लस पे क्लिक करके नए पेज क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा रिलेटिवली बेटर तरीका होता है कि आप दबाएं कमांड या कंट्रोल प्लस एन। तो कमांड बेसिकली मैक के लिए है और कंट्रोल विंडोज के लिए है, तो जहाँ पे भी ऐसे बैकस्लैश लिखा है आप समझ जाइएगा। तो अगर आपको नया पेज क्रिएट करना है तो आप दबाइए कमांड प्लस एन और आप देख सकते हैं कि एक नया पेज क्रिएट हो गया है। इमेजिन करिए कि आपका ऑलरेडी एक पेज खुला हुआ है, आप एक और पेज इसके अलावा खोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्रिएशंस वाला पेज भी खुल जाए, तो अभी मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा तो क्रिएशंस यहीं पे ही नया पेज खुल गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्रिएशंस वाला नई विंडो में खुले, तो मैं दबाऊंगा कमांड और मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो पेज खुल गए, ये नया वाला पेज है। तीसरी चीज़, अगर आपको नोशन में कुछ सर्च करना होता है तो आप यहाँ जाते हैं क्विक फाइंड में, तो ये खुलता है। अब बार बार आप वहाँ पे जाके क्लिक तो करेंगे नहीं, इससे अच्छा आप दबाइए कंट्रोल या कमांड प्लस पी। आप यहाँ पे जो सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। जस्ट आपके ब्राउजर की तरह नोशन में भी गोइंग बैक और गोइंग फॉरवर्ड के बटन होते हैं। तो जैसे कि अगर आप गो बैक करेंगे तो आप क्रिएशंस वाले पेज पे चले गए, आप गो फॉरवर्ड करेंगे तो आप वापस नोशन शॉर्टकट्स पे आ गए। अगर आपको ये फीचर बिना माउस के यूज करना है तो कुछ मत करिए, कमांड दबाइए। अगर पीछे जाना है तो प्रेस कीजिए ओपन ब्रैकेट, अगर आगे जाना है तो प्रेस कीजिए क्लोज ब्रैकेट। अगला है जूम इन और जूम आउट। तो कभी अगर आपको लगता है कि आपका पेज में बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट है और आप देख नहीं पा रहे हैं, तो कुछ मत करिए, कमांड प्लस दबाएंगे तो नोशन जूम इन करता जाता है, माइनस करेंगे तो वो छोटा होता जाता है। अगली चीज है इमोजीज। अब नोशन में हम इमोजीज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो अगर आप यूज कर रहे हैं मैक तो आपको दबाना होगा कंट्रोल प्लस कमांड प्लस स्पेस और आपका इमोजी वाला पॉपअप खुल जाएगा। विंडोज वालों के लिए आपको विंडोज प्लस डॉट या फिर विंडोज प्लस सेमीकोलन दबाना होगा, तो आप वो कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं थोड़े और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स के ऊपर। ये वाला आपको मोस्ट प्रॉब्ली मालूम होगा अगर आपने मेरा नोशन फॉर बिगनर्स वाला वीडियो देखा है। अगर आपको नोशन में कोई भी ब्लॉक क्रिएट करना है आप दबाइए बैक स्लैश, ऑटोमेटिकली आपको प्लस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए हेडिंग और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हेडिंग आ गई है और यू कैन जस्ट टाइप। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बैक स्लैश टू डू, तो आप देख सकते हैं टू डू आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत टाइम टेकिंग तरीका है ब्लॉक्स क्रिएट करने का। कुछ कॉमन ब्लॉक्स होते हैं जो हमको बार बार यूज होते हैं, जैसे कि एक मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वो है बुलेटेड लिस्ट। अगर आपको बुलेटेड लिस्ट नॉर्मली ऐड करना है तो आप दबाएंगे बैक स्लैश बी यू एल एल और यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट ऐड हो जाएगी। तो नोशन एक बेटर तरीका प्रोवाइड करता है, आप एक नई लाइन पे जाइए, डैश दबाइए और स्पेस मार दीजिए और वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है एक बुलेटेड लिस्ट में। और मे बी मेरे को खरीदना है शैम्पू, सेम चीज़ आप प्लस को लिख के और फिर स्पेस दबा के या फिर स्टार लिख के और स्पेस दबा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा डैश यूज़ करता हूँ और आपको भी वही करने के लिए इनकरेज करूँगा। हमको टू डू लिस्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। इसको करने का फास्टर तरीका क्या है कि आप पहले दबाइए ओपन ब्रैकेट और फिर आप दबा दीजिए क्लोज ब्रैकेट, जैसे करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको टर्न कर देता है एक टू डू लिस्ट में। काफी ज्यादा हो गया राइट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक बार में ये सारे शॉर्टकट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे शॉर्टकट्स को एक साथ कलेक्ट करके एक पीडीएफ फाइल बनाई है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। आप उस पीडीएफ को जब चाहे तब रेफर कर सकते हैं और अपने पेज से सारे शॉर्टकट सीख सकते हैं। पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि एटलीस्ट आप जान पाएंगे कि शॉर्टकट से क्या क्या अमेजिंग चीजें पॉसिबल हैं और वो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए वापस चलते हैं और कुछ और शॉर्टकट्स देखते हैं। अगली चीज है नंबर्ड लिस्ट। आप डायरेक्टली लिख लिए वन डॉट और स्पेस मार दीजिए और वो ऑटोमेटिकली उसको नंबर्ड लिस्ट में बना देता है। अभी अगला वाला बहुत अमेजिंग है यार, हेडिंग्स हमको बहुत बार लिखनी पड़ती है कि आप दबाइए हैश, आप हैश दबाएंगे स्पेस मारिए ऑटोमेटिकली हेडिंग वन क्रिएट हो गई, बिग गेस्ट हेडिंग। अगर आपको सेकेंड वाली हेडिंग चाहिए हेडिंग टू तो दो करिए बिगर हेडिंग, और अगर आपको चाहिए कि थोड़ी सबसे H3 वाली हेडिंग हो तो तीन बार करिए स्पेस दबाइए और हो गया बिग हेडिंग।
अगला डिवाइडर बनाना। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं इन सब के बीच में मैंने एक डिवाइडर बनाया हुआ है। तो डिवाइडर बनाने के लिए अगेन आपको एक नया ब्लॉक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट 3 बार डैश दबाइए, 1, 2, 3 और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एक डिवाइडर के अंदर। अगली चीज़ वो है टॉगल्स। तो नोशन जो प्रोवाइड करता है उसके लिए आपको ट्रायंगुलर ब्रैकेट बनाना है और ट्रायंगुलर ब्रैकेट बनाने के बाद स्पेस मार देना है तो उसको टॉगल में कन्वर्ट कर देगा। वापस लिखते हैं व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ USA। अब मुझे इसके अंदर कंटेंट लिखना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा। अब इसके अलावा क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ टॉगल, तो कुछ और शॉर्टकट्स हैं टॉगल के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे टॉगल वाली लाइन में और आप चाहते हैं कि टॉगल को ओपन या क्लोज करें तो उसके लिए आपको दबाना होगा कमांड या कंट्रोल अगेन प्लस एंटर, तो आप वो दबाएंगे तो ये ओपन और क्लोज हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे टॉगल ओपन हो जाएं तो कमांड ऑप्शन टी, तो आप देख सकते हैं सारे ओपन और सारे के सारे क्लोज हो रहे हैं। अगला शॉर्टकट जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है बैकस्लैश टर्न। तो इमेजिन करिए कि मुझे इस बुलेटेड लिस्ट को एक टू डू लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इस ब्लॉक के एंड में जाऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ एंड में हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकस्लैश TUR। तो आप देख सकते हैं जैसे ही लिखा तो ये टर्न इनटू आने लग गया। अब टर्न इनटू में जा करके मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा टू डू और टड़ा ये एक टू डू में कन्वर्ट हो गई है। सिमिलरली अगर इस नीचे वाले को मेरे को हेडिंग वन में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ जाके लिखूंगा टर्न, तो वो जल्दी से आ जाता है और ये कन्वर्टेड इनटू हेडिंग वन। अगली चीज़ है ब्लॉक का कलर चेंज करना क्विकली। तो इमेजिन करिए ये एक ब्लॉक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर हो जाए ब्लू, तो मैं एंड में जाके लिखूंगा बैक स्लैश और जो भी कलर का नेम मुझे चाहिए ब्लू, तो मैंने क्लिक किया तो ब्लू हो गया। अगर मुझे चाहिए येलो तो वो येलो हो गया। अगर मुझे चाहिए कि वाइट हो जाए तो लिख दीजिए डिफॉल्ट और वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इमेजिन करिए कि मुझे सिर्फ कलर नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड भी चाहिए, तो मैं यहाँ बैक स्लैश ऑरेंज और यहाँ पे सिर्फ देखिए कलर आ रहा है और मैं लिखना चाहता हूँ बैकग्राउंड, तो स्पेस मार के बैकग्राउंड लिख देंगे तो आपका जो ब्लॉक है उसका बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो कलर की बात शुरू हुई है तो चलिए साथ ही साथ हम टेक्स्ट स्टाइलिंग भी देख लेते हैं। तो इमेजिन करिए कि ये कोई टेक्स्ट है और मैं चाहता हूँ इसको एडिट करना, तो इमेजिन करिए मेरे को ये जो वे है इसको बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और दबाऊँगा कमांड बी या कंट्रोल बी जिससे कि ये हो जाएगा। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि इटैलिसाइज भी हो जाए तो मैं दबाऊँगा कमांड या कंट्रोल प्लस आई, एकदम नॉर्मल जो आप वर्ड में करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ अंडरलाइन हो जाए तो अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और दबा दूँगा कंट्रोल यू। इसको करने का ऑब्वियसली दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और नोशन आपको यहाँ ऊपर बार शो कर देता है, बी आई यू जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगली चीज़ है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू में इमेजिन करिए कि मुझे वे यू लाई को स्ट्राइक थ्रू करना है, तो मैं दबाऊँगा कमांड शिफ्ट और एस, मैंने जैसे ही दबाया ये स्ट्राइक हो जाता है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मे बी आपको मालूम है या नहीं, आप जब भी इन 6 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो वो पूरे करंट ब्लॉक को हाईलाइट कर देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइन है और इसमें ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस ब्लॉक में 2 टेक्स्ट लाइन है। तो इमेजिन करिए कि आपको इस सेम ब्लॉक के अंदर एक और लाइन ऐड करनी है और आप एंड पे जाके एंटर दबाते हैं, तो एंटर दबाएंगे तो एक नया ब्लॉक क्रिएट कर देता है। कैसे पता चल रहा है नया ब्लॉक? यहाँ पे 6 पे क्लिक किया तो ये आपका हाईलाइट कर दे रहा है ब्लॉक, तो ये दिख रहे हैं ये 2 अलग अलग ब्लॉक्स हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेम ब्लॉक के अंदर ही सेकंड लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे दबाना होगा शिफ्ट प्लस एंटर। तो मैं जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊँगा और लिखूँगा दिस इज सेकेंड लाइन, तो अब यहाँ दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि ये सेम ब्लॉक के अंदर आ गया। अगली चीज़ है इंडेंटेशन की। जैसे इमेजिन करिए ये हमारी एक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स क्लोथ्स शर्ट्स, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट के अंदर चले जाएं और शर्ट और जीन्स मेरे क्लोथ्स के अंदर चले जाएं। तो जाना होगा पासपोर्ट के पास और यहाँ पे दबाना होगा टैब। टैब यानी कि ये जो टैब रहता है आपका कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने दबाया ये इंडेंट हो गया, ठीक है, ये इसके अंदर चला गया। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दिखा रहा है कि इस ब्लॉक के अंदर आ गया, लेकिन ये अपने आप में भी एक ब्लॉक है। अब मैं चाहता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आ जाए, वापस स्टार्टिंग में जाऊंगा टैब दबाऊंगा, ये क्लोथ्स है क्लोथ्स के अंदर चाहता हूँ शर्ट्स आ जाए जींस आ जाए, यहाँ पे टैब दबाया इसके अंदर, इसमें इसके अंदर। अब इसका फायदा क्या होता है कि ये एक ब्लॉक हो गया है, ये एक ब्लॉक हो गया है, मेरे को इसको कलर करने का है, येलो किया तो ये पूरा का पूरा कलर हो गया। तो इस तरीके से आप इंडेंटेशन के अलग अलग यूज केसेस देख सकते हैं। अगली चीज़ है इंडिविजुअल वर्ड्स को कलर करना। तो अभी तक हमने जो देखा था उसमें हम पूरे के पूरे ब्लॉक को कलर कर रहे थे, एंड में जा करके कर दिया येलो, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ ये जो सनफ्लावर है वो येलो कलर का हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होता है, सनफ्लावर को हाईलाइट करिए, ए पे जाइए और यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लीजिए येलो। अगर आप जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट यूज कलर आपका येलो है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कमांड शिफ्ट एच। अगर ये आपका विंडोज़ होता तो दिखाता कंट्रोल शिफ्ट एच, तो ये एक शॉर्टकट है। तो इमेजिन करिए कि आई लव द कलर ऑफ माई न्यू शर्ट, मुझे न्यू शर्ट का जो है
उसको वापस से कलर करना है, तो मुझे यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको सेम ही कलर देना है येलो कलर, तो मैं दबाऊँगा कमांड शिफ्ट एच जैसा कि यहाँ लिखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज आने वाली चीज़, अगर आपको कंटेंट को डुप्लीकेट करना है नोशन में तो सबसे पहले सेलेक्ट करिए और फिर उसके बाद दबाइए ऑल्ट और ड्रैग करिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया है, ये हैंडल लिया, ऑल्ट बटन दबाया और ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आया, क्या हो गया कॉपी। तो सुपर सिंपल है, ऑल्ट दबाइए, ड्रैग करिए, आपका काम हो जाएगा। वापस से सिलेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ है, नोशन में सिलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं होता, ये एम्प्टी जगह जो होती है लेफ्ट में वहाँ से लीजिए, ड्रैग करिए और ये उठा करके अपन ने चार ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप चाहते हैं इसमें से किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को डीसेलेक्ट करना तो दबाइए कमांड शिफ्ट और उस ब्लॉक पे कर दीजिए। ये मुझे अनक्लिक करना है पोटैटोज़ वाला, तो आप देख सकते हैं वो डीसेलेक्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे ब्लॉक्स को आप किसी और चीज़ में टर्न करना चाहते हैं आफ्टर दे आर सिलेक्टेड, तो अब आप दबाइए कमांड और बैकस्लैश, वो पूछता है क्या क्या एक्शन आपको डिलीट करना है, नहीं डुप्लीकेट नहीं, मेरे को टर्न करना है इन सारी चीज़ों को टू डू लिस्ट में, तो अब ये सारे के सारे टू डू में कन्वर्ट हो गए। यस इट्स फाइनली ओवर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और PDF को डाउनलोड करिए। हर बार आप जब भी नोशन यूज करें तो कोशिश करिएगा कि इन शॉर्टकट्स में से एक आध दो चीजें यूज करें, धीरे धीरे ये सारे शॉर्टकट्स आपकी मसल मेमोरी में आ जाएंगे और आप बन जाएंगे नोशन प्रो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय द वे, अगर आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड को फास्ट करना है तो उसके लिए भी कुछ अमेजिंग शॉर्टकट्स होते हैं जिनको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको उस वीडियो को चेकआउट करना है तो ये रही उसकी लिंक। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने शॉर्टकट्स मास्टर कर लिए तो आपको जिंदगी के मजे आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको नोशन के बेसिक्स या फिर कुछ एडवांस चीजें क्लियर नहीं है तो प्लीज जाके मेरी नोशन वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, आपके सारे फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में एक इमोजी ड्रॉप कर दीजिए और मुझे बताइए कि हाँ स्पर्श भाई हमने आपका पूरा वीडियो देख लिया है, इससे मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप कर सकें तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक और इंसान के साथ शेयर करिए। अगर इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं तो आप मुझे टैग कर सकते हैं @_discomment करके, एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।